और गाइज ये है हमारा नेचुरल स्विमिंग पूल यहाँ पे ये, और अभी रोड बस यहाँ तक आई है यहाँ पे, और यहाँ से पूरा मलबा यहाँ पे गिर गया। जैसे थोड़ा और आगे जाएगी रोड तो ये भी पूरा बर्बाद हो जाएगा, फिर पता नहीं कहाँ आएंगे हम, और बहुत बुरा है। सच बोलूँ तो आज ही पता चला हमें, आज ही हम आए इस रास्ते, तो अब पता नहीं कहाँ जाएंगे हम नहाने। पहले तो हम यहाँ पे आते थे नहाने, अब पता नहीं क्या होगा। और आपको दिखाता हूँ कि कैसा हो चुका है वो बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहित और स्वागत है मेरे चैनल UK13 ब्लॉगर पे। तो आज हम जाने वाले एक नई रोड पे, मतलब ऐसी बहुत सारी रोडें देखी होंगी आपने, पर जो अभी बन रही है ऐसी रोड पे आपको ले जाएंगे। और वही चार दोस्त जो आपने हिसोल वाले ब्लॉग में देखे होंगे, और अभी हम जा रहे हैं तो दिखाते हैं आपको। और गाइस देख सकते हैं ये है तूना बोठा मोटर मार्ग पर हम जाएंगे इस वाले पे, और इस वाली रोड पे जाएंगे हम। ये अभी नई नई बन रही है, जाते ही यहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ पे पहाड़ टूटा हुआ है देख सकते हैं आप। रोड पे अभी गाड़ी नहीं जा सकती, चेतावनी कार्य प्रगति पर है, आगे आवाजाही बंद है। ऐसे घूमने वाले जा सकते हैं। गुलाब राय तूना मोटर मार्ग 2 किलोमीटर चिनगवाड़, मतलब ये चिनगवाड़ गांव जाएगी, और अभी काम चल रहा है इसका। पर वैसे हम जो ये पीछे ऊपर जा रही रोड उस पर भी जा सकते थे, पर मतलब एक हमेशा एक ही रोड पे मज़ा नहीं आता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे जा रहे हैं। तो मतलब हर टाइम कुछ नया नया होना चाहिए ना, जब नया नया होता है लाइफ में तभी मज़ा आता है चाहे किसी भी चीज़ में। तो वैसे ही हमारे घूमने का भी है कि हम नई नई जगह पर जाएंगे तो हमें बहुत मज़ा आएगा, तो बहुत चीज़ें दिखाएंगे आपको यहाँ पे। और ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये टूट जाते हैं बरसात में। और बाकी वैसे ये रोड बहुत तेज़ी से बन रही है क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से है ऐसी कुछ है, तो जो प्रधानमंत्री वाली रोड होती है वो बहुत जल्दी बनती है। तो अभी दिखाते हैं, और पीछे है रुद्रप्रयाग। और ये जंगल का एरिया है इसलिए यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। जब कुछ टाइम बाद यहाँ पे रोड बन जाएगी तो सारे लोग यहीं पे आएंगे। ये देख सकते हैं जो वहाँ पे पोस्ते लगेंगे उसके लिए है ये, और ये जेसीबी मशीन। और देख सकते हैं हम कितने दूर से आ रहे हैं अभी, हमारा घर वहाँ पे है। गाइस जो यहाँ सड़क बनाते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, देख सकते हैं कैसी जगह पे रहते हैं वो। ये साइड में देख सकते हैं आप उनके घर वगैरह हैं। अभी वैसे इस रोड पे गाड़ियाँ नहीं आती है, बस यहाँ पे ट्रक वगैरह आते हैं, वो भी बस जो यहाँ का जो मलबा है उसको डंपिंग जोन में ले जाते हैं। और बाकी बहुत पत्थर हैं इस रोड पे, और ये है चिनगवाड़ रोड, मतलब यहाँ से जो चिनगवाड़ गांव है ऊपर तो वहाँ जुड़ेगी ये वाली रोड। इस यहाँ पे देख सकते हो बहुत खतरा है, मतलब ये जैसी अगर बारिश आएगी तो ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पे पत्थर देख सकते हैं आप, और सामने देख सकते हैं सामने है औड़ गांव, और यहीं से बच्चे सफ़ेद फोड़ जाते हैं, और सफ़ेद फोड़ बोले तो जहाँ पे नहाने जाते हैं हम। और ये देख सकते हैं पूरा रास्ता ख़राब हो चुका है जो यहाँ से आ रहा था औड़ गांव का, पूरे पेड़ कट चुके हैं। और आज जो ये रोड है वैसे ये बस एक ही गांव के लिए जा रही है, तो आप देख सकते हैं एक गांव में रोड ले जाने के लिए कितने पेड़ों को काटना पड़ता है, और बहुत पत्थर ही पत्थर है यहाँ पे। और
बरसात के टाइम के लिए ये रोड तो लग नहीं रही कि ये ठीक होगी, तो यहाँ पे बहुत पत्थर हैं और मिट्टी है बस, बाकी पेड़ तो है नहीं, पेड़ सारे काट दिए गए हैं। पर ये देख सकते हैं आप, पर ये रोड एक पर्पज से बहुत सही है कि यहाँ पे घूमने वालों के लिए बहुत अच्छा है, मतलब जैसे यहाँ पे आ रहे हैं शांति, साइड में एक गधेरा है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, बाकी बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। गाइस देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं यहाँ से, सामने पे है औंड गांव और वहाँ से भी जाता है सफ़ेद फोर्ट, अभी आपको दिखाएंगे, अगर दिखा तो सफ़ेद फोर्ट आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्या पता आगे पीछे दिख जाए, पर मज़ा आ रहा है इस रोड पे, मतलब जब कुछ न्यू होता है ना तो जैसे हम हमेशा उस वाली रोड पे जाते थे तो उतना अच्छा नहीं लगता था, जैसे नई रोड पे है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइस देख सकते हैं यहाँ तक अभी रोड बनी है और जो सफ़ेद पौड़ है वो बिल्कुल बर्बाद होने वाला है, जो यहाँ का एकमात्र स्विमिंग पूल है वहाँ पे है वो, और कुछ ही दिनों में वो बर्बाद होने वाला है। गाइज ये बहुत बेकार हो चुका है क्योंकि हमारा जो नेचुरल स्विमिंग पूल है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, पीछे आप हालत देख सकते हैं, जो एक गधेरा है गधेरे के पूरे, मतलब ऐसे लग नहीं रहा यार, कभी हम इसी रास्ते सफ़ेद पौड़ जाते थे और बहुत ख़राब हो चुका है मतलब हमारा नेचुरल स्विमिंग पूल, तो अब पता नहीं कहाँ जाएंगे हम नहाने, पहले तो हम यहाँ पे आते थे नहाने, अब पता नहीं क्या होगा, और आपको दिखाता हूँ कि कैसा हो चुका है वो बर्बाद। और गाइज ये है हमारा नेचुरल स्विमिंग पूल यहाँ पे ये, और अभी रोड बस यहाँ तक आई है यहाँ पे, और यहाँ से पूरा मलबा यहाँ पे गिर गया, जैसे थोड़ा और आगे जाएगी रोड तो ये भी पूरा बर्बाद हो जाएगा, फिर पता नहीं कहाँ आएंगे हम, और बहुत बुरा है। सच बोलूँ तो आज ही पता चला हमें, आज ही हम आए इस रास्ते तो हमारा जो नेचुरल स्विमिंग पूल था वो पूरा ख़राब हो चुका है, अब हम पता नहीं कहाँ आएंगे, मज़ा नहीं आया सच बोलूँ तो। और गाइस ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा यार, पता नहीं हम कहाँ जाएंगे नहाने, पर बहुत ख़राब लगा, ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे जो वहाँ पे है हमारा नेचुरल स्विमिंग पूल सफ़ेद पौड़, जो कि एक फेमस सफ़ेद पौड़ था रुद्रप्रयाग का, मतलब बहुत दूर दूर से यहाँ पे नहाने आते थे लोग, अब वो ख़राब हो चुका है, बिल्कुल मज़ा नहीं आया सच बोलो। और गाइस ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, जब तक आपने साइड से पोस्ता नहीं ढाला, वो होता है ना सड़क के किनारे पे चैम्बर जैसे वो बने होते हैं, अगर वो नहीं बनाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देख सकते हैं आप ये है नई रोड, देख सकते हैं आप यहाँ से एक नंबर, लुक एट दिस गाइस, मज़ा आ गया ये चीज़ देख के, व्यू एक नंबर। और गाइज ये देख सकते हैं ये दो दोस्त हैं, ये सौरभ और अंशुल नौटियाल, ये दोनों आर्मी में जाना चाहते हैं तो इसीलिए निरीक्षण करने आए थे ये रोड दौड़ने के लायक ठीक है या नहीं, तो सौरभ क्या कहना है आपका? बिल्कुल एक नंबर रोड है दौड़ने के लिए, बिल्कुल। और स्विमिंग पूल के बारे में क्या कहना है आपका? क्या बोले तो रोना थोड़ा तेज बोल रहे यार भाई, आवाज नहीं आ रही है, दुख हो रहा है इनको, बहुत दुख हो रहा है, ये कह रहा है मुझे रोना आ रहा है, और कहीं ना कहीं जब ये ज़बरदस्ती करता था तभी जाते थे हम वहाँ, और अब पता नहीं, अब बनाना पड़ेगा एक, जब पूरी रोड कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम एक नेचुरल स्विमिंग पूल फिर दोबारा बनाएंगे। और गाइस व्यू देख सकते हैं आप, अभी हम नीचे थे, जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे तो बहुत मस्त व्यू आ रहा है, देख सकते हैं आप। और गाइस अभी हम सोच रहे हैं कि हम जहाँ पे ये रोड ख़त्म हो रही है, जहाँ पे इसका एंड है वहाँ पे जाएंगे, तो सीधा मिलते हैं आपसे वहाँ पे और दिखाते हैं रोड का एंड कैसे होता है, मतलब आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि रोड ख़त्म कैसे होती है, तो वो दिखाते हैं। ये है हिरन,
भेड़ बोलते हैं इनको। गाइस देख सकते हैं ये है हिरन, और गाइस देख सकते हैं इसका एंड दिखाता हूँ मैं, मतलब यहाँ पे थोड़ा डर लग रहा है आगे जाने में, और इसका एंड है वहाँ पे, वो देख सकते हैं आप, बस वहीं पे तक है रोड, आगे ख़त्म। वहाँ नीचे हमारा नेचुरल स्विमिंग पूल, और पता नहीं क्या होगा उसका। और आपने देखा कि कैसे स्विमिंग पूल पूरा बर्बाद हो चुका है, तो अब बस अब हम जा रहे हैं घर। तो होप करते आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मिलता है किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।